प्रयाग में पूरी सृष्टि का समागम। समय के इस अनादि चक्र में संतों की वाणी की एक गूंज, प्रकाश से नहाया हुआ पंडालों का शहर और जन सैलाब का ये दुर्लभ दृश्य सिर्फ और सिर्फ कुंभ के महापर्व का ही हो सकता है। गंगा, जमुना और सरस्वती के पावन तट पे बसा प्राचीनतम नगर प्रयागराज, इसे कुंभ की नगरी भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की धरोहर प्रयाग आज समृद्धि और विकास का भी प्रतीक बन चुका है। ऐसे दिव्य और जीवंत प्रयागराज को और आकर्षक और आधुनिक बनाने से जुड़ी करीब 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास थोड़ी देर पहले यहां किया गया है। इसमें सड़क, रेलवे, शहर और मां गंगा की साफ सफाई, स्मार्ट सिटी जैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। देव दनुज दानव किन्नर नर सेनी सकल साधर मज्जन त्रिवे, मतलब देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, राज, किन्नर, मनुष्य सभी उस समय तीर्थराज प्रयाग का सेवन करते हैं, वहां स्नान करते हैं, दान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को माना गया है कि वही जीवन देता है, वही ऊर्जा देता है और सूर्य का संयोग मकर के साथ, बृहस्पति के साथ जब होता है तो ऐसे में जो संयोग बनता है वो बड़ा विशिष्ट होता है, इसलिए ये कुंभ विशिष्ट है और यह कुंभ श्रेष्ठ है। भागने लगा तो जहां जहां जल छिड़का है उसके एक एक बूंद गिरे हैं वहां वहां, और जबकि ये चार जगह नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया और प्रयागराज हो गया, इस जगह पर जहां जहां उसकी बूंदें छिड़की हैं उस जगह वो कुंभ का रूप धारण किया और सभी देवी देवता यहीं पर आके पूरा शरण लिए थे। कुंभ एक विशाल जन समागम है या कोई विचित्र संयोग? क्या होता है यहाँ जो करोड़ लोग सदियों से चले आ रहे हैं संगम के तट पे? अमृत कुंभ की लड़ाई में देवगुरु बृहस्पति ने सूर्य और चंद्रमा के साथ इसकी सुरक्षा की थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक दुर्लभ और अनोखी भौगोलिक घटना है।
12 वर्षों के बृहस्पति की परिक्रमा के दौरान 4 बार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और बृहस्पति एक सीध में आते हैं और इससे उत्पन्न होती है एक दिव्य ऊर्जा जिसका साक्षी होता है कुंभ। इसी वजह से तीनों के एक साथ आने के समय पे कुंभ मनाया जाता है। जब तक बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण कर फिर उसी राशि में उपस्थित होती है तब तक पृथ्वी पे 12 वर्ष बीत चुके होते हैं और यही कारण है कुंभ के 12 वार्षिक आयोजन का। माघ मकर जब रविगत होई तीरथ राज आवे सब कुछ। माघ मास में मकर राशि में जब भगवान सूर्य का प्रवेश होता है साथ ही चंद्रमा जी का भी प्रवेश इसी राशि में होता है और बृहस्पति जी का प्रवेश वृश्चिक राशि में होता है, ये सारे अनुकूल तम राशियों के प्रवेश के जो संचरण भाव ग्रह के हैं जब एक साथ मौनी अमावस्या के दिन पड़ते हैं तब 12 साल के बाद तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगता है। कुंभ का ये मेला अपने आप फिरता और कभी न सोने वाला शहर बन जाता है। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए निरंतर भोजन का इंतजाम है तो कहीं भजन का। 14 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ के लिए प्रयाग भव्य रूप में अवतरित हो चुका है। पहली बार गंगा के तट पे विशाल टेंट सिटी बसाई गई है जिसपे लग्जरी टेंट विला तक के इंतजाम है। कुंभ को यूनेस्को ने ग्लोबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर मान्यता दी है। इस बार के कुंभ में पहली बार हजारों वर्षों के कुंभ के इतिहास में यूनेस्को ने कुंभ के आयोजन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है और मैं देश और दुनिया के प्रत्येक श्रद्धालु जन को हर जाति हर मत हर मजहब हर संप्रदाय के अनुयायी को प्रयागराज कुंभ में सादर भी आमंत्रण दूंगा। वे प्रयागराज की धरती पर आए, मानवता के सबसे बड़े संगम स्थल को जी, इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को वे स्वयं इसका साक्षात करें, इसका साक्षात्कार करें कि कैसे 12 से 15 करोड़ की आबादी स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इतने बड़े आयोजन का साक्षी बनती है। कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो हजारों साल पहले से हो रहा है लेकिन इसका प्रमाण मिलता है तुलसीदास से जिन्होंने रामचरितमानस में प्रयाग के मेले का जिक्र किया है। प्रयाग में जो स्नान की परंपरा है जो बाद में एक पूरे जन समागम में आगे चल के परिवर्तित होता है तब्दील होता है, ये इसका उल्लेख पुराणों के साथ साथ बाद में रामचरितमानस में बड़े विस्तार से आता है। प्रयागराज में सभी का वाहन है मकर के महीने में माघ में, ये हमारी रामचरितमानस बोल रही है कि माघ मकर गति रवि जब हो ही तीर्थ पति आव सबको ही देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी। मध्यन पान करते थे स्नान करते थे मकर मध्य गौने मुनि वृंदा है ना, तहाँ हो नित ऋषय समाजा है, यहाँ ऋषियों का एक समाज जुड़ता है जो आज भी जुड़ रहा है और इसमें धर्म का धर्म निरूपण शास्त्र सनातन धर्म के गुरुओं और ऋषियों के सम्मेलन और ज्ञान के प्रसार का केंद्र बनाकर संगम में होने वाले माघ मेले को कुंभ मेला की संज्ञा दी और शुरू की एक ऐसी परंपरा जिसमें सम्मिलित होने हजारों की तादाद में संत सिद्ध और साधु पहाड़ों जंगलों और गुप्त स्थानों पर साधना और सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत जन मानुष के कल्याण हेतु यहाँ कुंभ के अवसर पर आने लगे। हर साल आते हो कुंभ मेला में बड़ी आता हूँ, 12 साल में कुंभ मेला लगती है और 6 साल में अर्धा कुंभ लगती है, हर कुंभ मेला 3-3 साल में चलता है तो 3-3 साल में 12 साल एक बार होता है और 3-3 साल में कुंभ मेला में अभी 2016 में उज्जैन में कुंभ मेला लगाए हम और फिर 2019 में इलाहाबाद में कुंभ मेला चालू चलती है वहाँ ध्वजारोपण होते हैं उद्घाटन होते हैं उसी में हम आए हैं। तभी से कुंभ के नौर शास्त्रार्थ और कथा वचन की परंपरा रही। संक्रांत के दिन सिद्ध महापुरुषों और साधकों की उपस्थिति और प्रार्थना स्थान को पेशवाई कहा गया।
यहीं से जो नागा सन्यासी हैं यहीं से साई पेशवाई के लिए आगे जो संगम पे जाते हैं, तो यहीं से सारा प्रोग्राम केंद्र यही रहेगा हमारे अखाड़े का। साधुओं की पेशवाई से शुरू होता है कुंभ के 60 दिनों का स्नान और इनमें 6 विशेष तिथियों पे स्नान को शाही स्नान कहते हैं। हर शाही स्नान का तात्पर्य अनोखा है। वो मौनी अमावस्या के दिन यानी वो राहु ने सूर्य चंद्रमा को पकड़ लिया, ग्रसित कर लिया, वही दिन है मौनी अमावस्या। कुंभ के समय मौनी अमावस्या के दिन जाकर वहाँ स्नान कर ले, दान कर ले, भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ा दे, उसके उस पूरे जीवन के सारे पाप धो दे। और उस दिन पूरे संसार से विदेशों से काफी लोग आते हैं और उस दिन रिसर्च करते हैं कैसा क्या है यहाँ पर, और पिछले 4-5 सालों से काफी विदेशी आकर आप उसे भी मानकर यहाँ पर हिंदू धर्म की मान्यता और दीक्षा लेने लगे हैं। उसी दिन मौनी अमावस्या दिन वो दीक्षित होकर हिंदू बन जाते हैं, वो इस संस्कार को अपना लेते हैं कि इससे बड़ा कोई संस्कार नहीं हो सकता। 25 years ago I was introduced to Hinduism. So I start studying it and I start visiting all over India to different temples, find my guru. And from then I think if you look for something about Hinduism or spirituality or religion, I think this is the womb where everything started. I think this is the first religion on planet Earth, the first city on planet Earth. So I think if you look for something, it should be here. Is blessed that it's the fastest airport, 11 months. So there have been blessings of the Kumbh only that this airport have been constructed before the Kumbh. So just 11 months record time this airport has been constructed. The idea for the mural was all about Prayagraj, Kumbh, the holy city, and what all is Kumbh all about. A sculpture of Harivansh Rai Bachchan and Hariprasad Chaurasia ji, and with motives of music and art, just to demonstrate that Prayagraj is a holy city for art and culture. ২০১৯ ১৪ জানুয়ারি সে প্রয়াগরাজ মে চলো কুম্ভ চলে।